10th क्लास न्यू चैप्टर्स न्यू टॉपिक दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जैसा कि हम इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ चुके हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम यूनिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड मेटल के बारे में। तो लिक्विड मेटल हमारी कौन सी होती है, दैट इज लिक्विड मेटल हमारी है मरकरी, ये सभी को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी लाइटेस्ट, लाइटेस्ट मेटल की अगर हम बात करते हैं तो लाइटेस्ट मेटल हमारी कौन सी होती है, दैट इज लिथियम। अगर बात करते हैं हमारी हैवीएस्ट मेटल की, तो हैवीएस्ट मेटल हमारी क्या होगी, दैट इज ऑस्मियम। मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करते हैं, डियर स्टूडेंट मोस्ट रिएक्टिव, वैसे तो हम जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं उसके अंदर हम किसको, सोडियम को कंसीडर करते हैं, बट यहां पर हम किसको मानते हैं, क्योंकि ये नेचुरल ओकरिंग की मतलब नहीं है, इसका मतलब है मैक्सिमम रिएक्टिव होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको सीजी मानते हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर नॉन मेटल की, तो इंसुलेटर मेटल कौन सी होगी हमारी, इंसुलेटर मेटल होगी हमारी दैट इज लेड, पीबी से जिसको डिनोट किया जाता है। लेड हमारी क्या होगी, एक प्रकार से इंसुलेटर मेटल होगी। ठीक है, नॉन लस्टर गिविंग मेटल्स कौन सी होंगी, नॉन लस्टरस मेटल होती है हमारी दैट इज सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम और पोटासियम हमारी क्या होती हैं, नॉन लस्टर गिविंग मेटल्स होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम एलोट्रोप, सॉरी मैक्सिमम आइसोटोप शोविंग मेटल, तो मैक्सिमम आइसोटोप शोविंग मेटल होती है हमारी दैट इज पोलोनियम, और ये कितने आइसोटोप शो करती है, 42 आइसोटोप से वो हमारी फाउंड करती है। अगर बात करते हैं सॉफ्टेस्ट मेटल की, सॉफ्टेस्ट मेटल हमारी होती है दैट इज लिथियम। ठीक है, और हार्डेस्ट मेटल की बात करते हैं, हार्डेस्ट मेटल, तो हार्डेस्ट मेटल की केस में हमें याद रखना है सबसे हार्डेस्ट मेटल है प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम हमारी क्या होती है, प्लेटिनम बोल सकते हैं और टाइटेनियम भी बोल सकते हैं, ये हमारी हार्डेस्ट मेटल की कैटेगरी के अंदर हम स्टडी करते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल की, अनरिएक्टिव मेटल, तो मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल के अंदर हमें याद रखना मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल हमारी कौन सी होती है, दैट इज एयू यानी गोल्ड होती है और एजी यानी सिल्वर होती है। ठीक है, मोस्ट डक्टाइल मेटल की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जिसकी सबसे लंबी तार बनाई जा सकती है, एग्जांपल में हमने आपको बताया था गोल्ड होता है वो हमारा सबसे ज्यादा डक्टाइल है मेटल के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। सो दीज आर सम यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कुछ मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है यूनिक शो करती है वो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है। अब बात करते हैं स्टूडेंट से यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, कि यूनिक प्रॉपर्टी हम समझने की कोशिश करेंगे नॉन मेटल की। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड नॉन मेटल की, तो लिक्विड नॉन मेटल हमारी कौन सी होती है, लिक्विड नॉन मेटल दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारी क्या होगी, एक प्रकार से लिक्विड नॉन मेटल होगी। लाइटेस्ट नॉन मेटल
ये अगर बात करते हैं तो लाइटेस्ट नॉन मेटल हमारे क्या होती है, दैट इज हीलियम। हीलियम हमारी लाइटेस्ट नॉन मेटल होती है। हैवीएस्ट नॉन मेटल की बात करते हैं तो ये एस्ट्रेटाइन होती है, ठीक है, ये हमारी हैलोजन फैमिली से बिलोंग करती है। एस्ट्रेटाइन इस मेटल को, नॉन मेटल को बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कंडक्टर नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है वो क्या होती है, कार्बन होती है। और कार्बन की भी कौन सी फॉर्म होती है, ग्रेफाइट। सारा कार्बन ही माना जाएगा, ग्रेफाइट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल हमारी है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल की कैटेगरी में समझते हैं। लस्टर गिविंग यानी चमकदार कौन सी धातु होती है उसको जानते हैं, लस्टर गिविंग मेटल हमारी होती है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन मेटल क्या होती है हमारी, लस्टर गिविंग होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं मैक्सिमम आइसोटोप शोविंग मेटल, शोविंग नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो ये क्या होगी, दैट इज जीनोम। जीनोम होती है, कितने आइसोटोप शो करेगी, 36 आइसोटोप जीनोम वो शो करती है, ठीक है। अब बात करते हैं हार्डेस्ट नॉन मेटल के बारे में, हार्डेस्ट नॉन मेटल दैट इज ए डायमंड। ये भी क्या है कि डायमंड है जो कार्बन की ही फॉर्म होती है, कार्बन का एलोट्रोप होता है, डायमंड को मानते हैं। सॉफ्टेस्ट नॉन मेटल किसको मानते हैं, वैसे तो गैस होती है, ठीक है, तो सारी गैसें सॉफ्टी होती हैं, बट अगर सॉलिड फॉर्म के अंदर कंसिडर करते हैं तो सल्फर को हम क्या मानते हैं, सॉफ्टेस्ट नॉन मेटल मानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे स्टूडेंट्स की से रिगार्डिंग हमारे नॉन मेटल्स और मेटल से रिगार्डिंग, हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया है, कुछ पॉइंट को याद करने की कोशिश की है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं और स्टडी करते हैं स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टडी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब तक तो हमने क्या किया था, मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। अब हम जानने की कोशिश करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं हमारी मेटल की क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स फॉर्म्स द मेटल ऑक्साइड। मेटल जब भी रिएक्ट करती है तो मेटल किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है भाई, ये चीज याद रखना है। और जो मेटल ऑक्साइड, जो भी मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो सकता है, जो वाटर के साथ, यानी कि जो भी मेटल ऑक्साइड है वाटर के साथ डिजोल्व हो सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, नहीं वाटर के साथ होता है तो इसको क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये भी अभी नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में। चलिए मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि मेटल किस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती हैं। बहुत सारी मेटल्स हैं वो बहुत ही फास्टली कंबाइन करती हैं और बहुत सारी मेटल्स हैं वो स्लोली कंबाइन करती हैं। जैसे हम बात करते हैं पोटासियम की, पोटासियम मेटल जब भी हमारी किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाती है, K2O सुपर ऑक्साइड बनाती है एक प्रकार से, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो वी कैन पुट ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्या करती है, मेटल ऑक्साइड बनाएगी। सोडियम की अगर बात करते हैं, सोडियम भी इसी प्रकार से विग्रेस
इनको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से विग्रह से रिएक्शंस बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार से क्या करेंगे, बहुत फास्टली रिएक्ट करेंगे, और इसी की वजह से क्या होता है, सोडियम को और पोटेशियम को बाहर नहीं रखा जाता, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं रखा जाता, क्योंकि इनकी रिएक्शन क्या होती है, विग्रस होती है। ठीक है, विग्रस रिएक्शन का मतलब क्या है, विग्रस रिएक्शन ये शो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा एटी वोल्ट करते हैं और फ्लेम में आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको खुले में नहीं रखा जाता, सोडियम और मैग्नीशियम मेटल को। अब बात करते हैं कुछ मेटल्स जो नॉर्मली रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ और बर्न करती हैं, उन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम किस तरह करते हैं, हम हमारे इसके मैग्नीशियम मेटल एनजी प्लस ऑटो दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम जो मेटल होती है वो हमारा रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम मेटल क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। जिंक है, जिंक भी क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाएगी, यानी कि हमारी क्या करती है, जिंक मेटल है वो जिंक ऑक्साइड हमारा फॉर्म करती है, यानी जिंक ऑक्साइड वो बना देती है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, दैट इज जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आयरन मेटल भी अगर हमारी रिएक्ट करती है तो आयरन मेटल भी क्या फॉर्म करती है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म करती है। जैसे आयरन मेटल को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आयरन ऑक्साइड, बट ये क्या करती है, बर्न नहीं करती, फ्लेम फ्लेम देती है, गर्म हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, एक प्रकार से फ्लेम हमारी नहीं प्रोड्यूस करती, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हमारी क्या है, आयरन मेटल की रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो आयरन मेटल एक प्रकार से हमारी रिएक्ट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट कॉपर की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कॉपर क्या बनाती है, कॉपर ऑक्साइड बनाती है, दैट इज CuO, ठीक है, और इसको ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कुछ मेटल्स हैं वो रिएक्ट करती हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट पे, कि ऑल दीज ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, जनरली मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर के अंदर हम स्टडी करते हैं, यानी कि ये बेसिक प्रॉपर्टी हमारे एक प्रकार से शो करते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी दोनों के साथ रिएक्ट करना पसंद करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है, तो उनको समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, सम ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस, हेंस दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड से हम बोल देते हैं, यानी कि ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे और किसके साथ, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे। अगर बात करते हैं Al2O3 की,
अगर इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम किसके साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस, साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, ये चीज याद रखनी है, दैट इज वाटर। ये हमारा साथ में प्रोड्यूस कर देगा, वाटर प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। वैलेंसी तो चेक कर, वैलेंसी ये हमारी वैलेंसी को चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे ही हमारा Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये हमारे बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और साथ में वही चीज प्रोड्यूस करेगा, दैट इज वॉटर, ठीक है। यानी कि साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, सॉरी, साथ में ये हमारा प्रोड्यूस करेगा वॉटर, यानी कि वॉटर प्रिपेयर करेगा। ये हमारी क्या है, एक प्रकार से रिएक्शन है, किसकी केस में, एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स की, यानी कि ये हमारे क्या है, एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शंस है, ठीक है। यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और साल्ट बना रहा है अपने रिस्पेक्टिव, ठीक है। यानी कि अपने रिस्पेक्टिव साल्ट बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से एम्पोटेरिक ऑक्साइड से बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि एल्कली और बेसिस किसको बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड्स विच डिजोल्व इन वॉटर आर कॉल्ड एज एल्कली। यानी कि मेटल ऑक्साइड है जो क्या हो जाते हैं, पानी के अंदर हमारे डिजोल्व हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। और जो मेटल ऑक्साइड्स विच डू नॉट डिजोल्व इन वॉटर आर कॉल्ड बेसिस, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। यानी जो पानी के अंदर घुल जाते हैं वो तो एल्कली, और जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं उनको क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मेटल है, मेटल के ऑक्साइड अगर वो पानी में घुल गए तो एल्कली, नहीं घुले तो बेसिस। चलिए रिएक्शन देखते हैं कि कौन से घुलते हैं, कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर, ठीक है, कि वाटर के साथ हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस प्रकार से टेक प्लेस करती है, ठीक है। मेटल है वो किसके साथ, वाटर के साथ जैसे डिसोसिएट एसोसिएट होती है, मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि मेटल जब भी पानी के अंदर डिसोसिएट करवाएंगे बोलेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, वो हमारे एक प्रकार से मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में क्या लिबरेट करेंगी, हाइड्रोजन गैस। साथ में याद रखना मेटल जब वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगी। अगर मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये पॉइंट मैंने आपको लिखा था, क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बना देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड दे विल प्रोड्यूस, यानी कि मेटल के हाइड्रोक्साइड है वो बनाना शुरू कर देंगे। टेक एन एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल देखते हैं तो कैसे होगा, अगर हमारा सोडियम को हम इसके साथ वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाएगा, KOH+H2, ठीक है, दैट इज सो सिंपल रिएक्शन। और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें हीट है वो प्रोड्यूस हो जाती है, इसीलिए ये एक प्रकार से हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक है। जैसे सोडियम को भी अगर लेते हैं तो सोडियम को अगर रिएक्ट करवाते हैं तो इट विल प्रोड्यूस आल्सो
NaOH प्लस H2 प्लस ईट, ये बहुत ज्यादा ईट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसको भी हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस हो रही है, ईट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। कुछ नॉर्मल रिएक्शंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारी रिएक्शन है जिनमें इतनी ज्यादा ईट नहीं प्रोड्यूस होती पर ऑक्साइड जरूर बनाती है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जैसे अगर कैल्शियम रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो कैल्शियम क्या बनाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रकार से रिएक्शन हो जाती है कैल्शियम की वाटर के साथ, कि कैल्शियम आए इस प्रकार से रिएक्शन करती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एक टेस्ट के बारे में, ये नोट कर लेना है, दैट इज नोन एज पोप टेस्ट। व्हेन हाइड्रोजन कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब ड्रिंक्स नियर द फ्लेम दे प्रोड्यूस ए पॉप साउंड। इस बात का क्या मतलब स्टूडेंट, जैसे ये कंटेनर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इनको जैसे ही हम क्या करते हैं किसी इन टेस्ट ट्यूब के अंदर ये हाइड्रोजन गैस बनी, इसको किसी भी फ्लेम के पास लेके आते हैं, कोई जलती हुए जो लो है उसके पास लेके आते हैं, तो वो लो है वो पॉप की साउंड करते हो, पॉप की साउंड के साथ वो जलती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड। और पॉप साउंड से हम पता कर सकते हैं कि हमारी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है। तो ये टेस्ट हमारा किया जाता है पॉप साउंड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस को हमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारी प्रेजेंट है या नहीं है उस केमिकल रिएक्शन से। ओके, कुछ और रिएक्शन समझते हैं, किसकी, वाटर के साथ किसकी, मेटल्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज मैग्नीशियम के अगर रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या बनेगा, दैट इज वेरी मच राइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस, ये हमारी हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, ये तो हमारी क्या थी, नॉर्मल कंडीशन में थी, ठीक है। अब ये चीज आपको याद रखनी है, कोल्ड वाटर डज नॉट रिएक्ट विद सम मेटल मेटल्स, इन दैट केस वॉटर स्टीम रिएक्ट। केसेस में क्या होता है स्टूडेंट की जो नॉर्मल वाटर होता है, ठंडा पानी होता है, वो रिएक्ट नहीं कर पाता, तो उन केसेस में हमारा क्या करता है, वाटर की स्टीम है वो रिएक्ट करना शुरू करती है। जैसे हमारा एल्यूमिनियम मेटल के साथ अगर हम बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे वाटर की क्या लेंगे, स्टीम लेंगे और उस पर रिएक्ट करवाएंगे, तो वो क्या बनाएगी, उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, रिएक्शन के अंदर हमारा क्या होगा, स्टीम को यूज किया जाएगा, यानी स्टीम को यूज करके हम क्या करेंगे, रिएक्शन को करवाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन की, आयरन को भी अगर रिएक्ट करवाते हैं तो भी ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी और प्रोड्यूस करेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि क्या प्रोड्यूस कर देगी, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस भी ये क्या करेगी, एक प्रकार से लिबरेट करेगी, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अगर जानने की कोशिश करते हैं कि जिंक के साथ वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, दैट इज जिंक ऑक्साइड, यानी कि ये बनाएगी हमारा जिंक ऑक्साइड, यानी कि इससे क्या प्रोड्यूस होगा, जिंक ऑक्साइड हमारा प्रिपेयर हो जाएगा वाटर के साथ रिएक्ट करवाने से। दीज आर द रिएक्शन विद वाटर, ये हमारी मेटल्स की कुछ रिएक्शन है किसके साथ,
वाटर के साथ स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ये सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ट्राई करें स्टूडेंट इनके अच्छे से नोट्स बनाने के लिए, अपनी बुक में लिखने के लिए, और इन टॉपिक्स को अच्छे से लर्न करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।